Find the real, find the real me, so let's go, this is a you know, it's time for the me. meaning, now we show, we coming. कॉमोनी शब्द बना हुआ है कॉम्युनिस से या कॉम्युनिकेयर से इससे बना है कम्युनिकेशन जो कि लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है इसका मतलब होता है आम साधारण सभाषा में इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि उपयुक्त माध्यम के द्वारा सूचनाओं या विचारों या तथ्यों को समझना समझाना एक दूसरे के बीच वार्तालाप करना एक दूसरे व्यक्ति से व्यक्ति में या एक छोटे समूह में या एक बड़े समूह के बीच ठीक है किसी भी प्रकार से अगर संप्रेषण किया जा सके संप्रेषण का अर्थ सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है हो सकता है भाषा के बिना भी आप बातों को कर सकते हैं हम बिना कुछ बोले हुए भी जैसे गूंगा आदमी बिना कुछ बोले हुए बिना जबान के सहारे बिना किसी भाषा के सहारे अपने काम को करता है इशारों से करता है ये भी कम्युनिकेशन है बहुत सारे जानवर हैं जिन्हें बोलने नहीं आता या जो आवाज़ नहीं निकाल पाते हैं लेकिन वो अपनी बातों को अपने दूसरों के बीच रख पाते हैं ये कम्युनिकेशन है ये संचार है ये संचार माध्यम है सॉफ्टवेयर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इंसान को काम करने के लिए सोचना पड़ता है सोचने के लिए दिमाग होता है तो कंप्यूटर या कोई भी ऐसी मशीन जो ऑपरेट करती हो जिससे ऑपरेटिंग वर्क लिया जाए उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें सॉफ्टवेयर होना चाहिए उस सॉफ्टवेयर से ही कोई काम कर सकती है इसे ही सॉफ्टवेयर कहते हैं और ये दो तरह का होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एक अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है अब यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा होगा डायग्राम इसमें आप देख सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर सबके सेंटर में है ऑपरटिंग सिस्टम तभी काम करेगा जब उसके पास हार्डवेयर हो बिना हार्डवेयर के कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर सकता है हार्डवेयर का मतलब हमारा मोबाइल फ़ोन भी है तो ये हार्डवेयर की तरह से जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा ये काम नहीं करेगा या कोई कंप्यूटर क्यों नहीं या लैपटॉप क्यों नहीं हो वो हार्डवेयर तभी काम करेगा हार्डवेयर होने के बाद ही उसमें सॉफ्टवेयर काम करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ही कोई हार्डवेयर स्टार्ट होता है वर्क करना शुरू करता है तब से ही ऑन होता है और उसके बंद होने तक वो काम करता रहता है जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उसके साथ स्टार्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है बल्कि साथ में स्टार्ट होता भी नहीं है जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल, मेरा हमारा आपका मोबाइल दिन भर ऑन होता है लेकिन जब हमारा क्लास होता है तभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि जूम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जब मोबाइल दिन भर स्टार्ट है इसका मतलब उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ऑन है लेकिन अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने अपने हिसाब से ऑन किया है इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर के बिना कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा और बिना किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा समझ रहे हैं ये मोटा मोटी इसका अंतर है ये इसका फ़र्क है ठीक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र्स एप्लीकेशन पैकेज की तरह होता है यानी जिस यूज़र को उसकी नीड है वो उसका एप्लीकेशन यूज़ कर सकता है वो एप्लीकेशन पैकेज होता है जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी के लिए होता है कोई एक स्पेसिफिक किसी के लिए नहीं होता है बिना उसके कोई भी एप्लीकेशन पैकेज काम नहीं करेगा जैसा कि आपको पता है आज चौदह मई दो हज़ार बीस को फर्स्ट ईयर ई पी थ्री की क्लास है और मैंने आपसे जैसा कहा है कि आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं चूँकि ऑलरेडी आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है एपीसी थ्री तो आप अपने अपने क्वेश्चंस पूछें और इन मैं आपको आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगा यानी कि आज का जो क्लास है वो क्वेश्चन आवर बेस्ड है और इसके बाद भी किसी के क्वेश्चन छूट जाते हैं किन्हीं को कोई सवाल पूछना हो किसी भी यूनिट से यूनिट वन यूनिट टू यूनिट थ्री से तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर जो मैंने मेंशन कर दिया है एट ज़ीरो एट फोर ज़ीरो सिक्स डबल फोर डबल नाइन इस पर मुझे आप व्हाट्सअप कर देंगे से, के बारे में। तो मैं बता दूं टेक्नोलॉजी मेडिएटेड कम्युनिकेशन क्या है यूनिट थ्री से एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है जैसा कि आपको पता है ये दोनों दो यूनिट मैंने पढ़ा दिया था फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ जब से मानव इस अर्थ पर है जमीन पर है तब से वो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ों के तलाश में लगा हुआ है वो हमेशा नई नई चीज़ों की खोज में लगा हुआ है और प्रकृति के अंदर छिपे रहस्यों को वो खोजता है और उस सूचनाओं को जानता है और सूचनाओं को कई स्तर पे हम आज डिफाइन कर सकते हैं यानी व्यक्तिगत सूचना होती है इंडिविजुअल उसके आगे बढ़ते हैं डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन होती है कॉरपोरेट लेवल की इंफॉर्मेशन होती है इसके बाद राष्ट्रीय सूचना होती है यानी नेशनल इन्फॉर्मेशन और अंतर्राष्ट्रीय सूचना होती है इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन इन In इंफॉर्मेशन का जब हम इनको कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ जैसे कि वन टू वन कम्युनिकेशन हो सकता है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन हो सकता है लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन हो सकता है पब्लिक कम्युनिकेशन हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन हो सकता है यानी कि संगठन या संस्थागत तौर पर जो संप्रेषण किया जाता है वो हो सकता है और इनको जब हम एक व्यक्ति से दूसरे या एक समूह से दूसरे समूह तक पहुंचाते हैं तो इसमें बहुत तरह की भाषाओं का प्रयोग भी हम करते हैं कई बार लैंग्वेजेस का सहारा लेते हैं यानी भाषा का सहारा लेते हैं और बॉडी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंस इसमें होती है यानी शाब्दिक संप्रेषण के साथ साथ अशाब्दिक संप्रेषण का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान इसमें होता है मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ पे चर्चा में नहीं ला सकता जो आपका सवाल है वहाँ तक मैं आ रहा हूँ यहाँ पे मैं आँखों की भाषा की बात करूँ लैंग्वेज ऑफ आई या फिर मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करूँ यानी शारीरिक भाषा की बात करूँ या ध्वनि संकेत की बात करूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आ, आ, मतलब साउंड के बिना पर हम पता कर सकते हैं या संकेतनात्मक कूटनात्मक भाषा होती है सिम्बोलिक लैंग्वेज होती है उसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को हम समझते हैं ठीक है फिर मैकेनिकल कम्युनिकेशन होता है और भी बहुत तरह के कम्युनिकेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जब इस तरीके से एक इंफॉर्मेशन जब कम्युनिकेट होती है और फिर उसका उपयोग में लाया जाता है उसको तो जा के टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का फॉर्मेशन होता है टेक्नोलॉजी की बात करें हम तो टेक्नोलॉजी प्राचीन काल में जो लोग थे वहाँ से हम नई नई चीज़ों को सीखते हुए आए जैसे फल फूल बीज कैसे उगेगा लोगों को रहन सहन के लिए जानवरों पर डर लगता था लोगों को उनसे बचाव कैसे किया जाएगा जंगल में लोगों का रहन सहन कैसे संभव होगा इन सब अवस्थाओं से गुजरते हुए यहाँ तक हम पहुँचे हैं बाद में जब नाइनटीन में रेडियो की खोज हुई उसके बाद जब फिर टेलीविज़न की खोज हुई ब्लैक एंड वाइट उसके बाद कलर टी की खोज हुई उसके बाद आज मोबाइल है और आज मोबाइल के अंदर सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं इसके बाद अगर हम और बात करते हैं तो समझिए फ्रांस में उन्नीसवीं शताब्दी में फोटो का आविष्कार हुआ उन्नीस में माइक्रोग्राफी का आविष्कार हो गया फिर रिकॉर्ड का आविष्कार किया गया उसी के बाद छोटे छोटे रूप में 1960 में प्रिंटर का इस्तेमाल हुआ लेजर प्रिंटर का भी आविष्कार हुआ 20वीं सदी में चुंबकीय वीडियो कैमरा वीडियो डिस्क कंप्यूटर सभी का डेवलपमेंट हुआ टेलीफोन टेलीग्राफ रेडियो टेप रिकॉर्डर टेलीविजन सम्प्रेशन सेटेलाइट फैक्स इत्यादि ये सभी आविष्कार जब हुए तो इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मानव सभ्यता के लिए कम्युनिकेशन को समझने के लिए हमें ई पी को ठीक से देखना पड़ेगा जो ई पी आपका मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दूं इसमें रीडिंग स्किल एक होती है रीडिंग स्किल के अंदर जब आप जाएंगे तो उसके अंदर तीन अलग अलग स्किल होती है जैसे स्किमिंग स्किल स्किमिंग क्या होता है मलाई निकालना मलाई क्या होता है किसी चीज़ का निचोड़ होता है दूध का निचोड़ मलाई निकलता है है ना तो मतलब इसका अर्थ ये होता है कि हम टू दि टॉपिक जाए टॉपिक से डाइवर्जन में नहीं होता पहली बात क्या होता है स्कैनिंग मतलब जब वो इन्फॉर्मेशन हमें मालूम है कि क्या पढ़ना है वो इफॉर्मेशन का हिस्सा है अब उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे यानी स्कैन स्कैन क्या होता है पूरी तरह से हंड्रेड परसेंट उस पर एक एक लाइन टू तो लाइन हमें स्टडी करना होगा जा करके तीसरा और लास्ट होता है स्पीड रीडिंग यानी कि हम उसे बार बार पढ़ते हैं और उसकी हर एक अच्छाई बुराई जो कुछ हमें समझना है उसके बारे में सारी तरह से चीज़ों को जान पाते हैं इसकी विशेषताएं आप यहां से नोट कर लेंगे ठीक है हम राइटिंग स्किल के बारे में जानते हैं राइटिंग स्किल क्या होता है राइटिंग स्किल में हमें अलंकार बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अलंकार को समझना होगा अलंकार क्या होता है अलंकार दरअसल क्या है लेखन के विषय में अध्ययन में निखार लाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है जिस तरीके से एक औरत के लिए श्रृंगार जरूरी है इसी तरीके से लेखन कला के, के लिए अलंकार बहुत ही आवश्यक है तो इस लेखन को समझने के लिए हमें इसके अलग अलग, अलग उपाओं को जानना होगा अलंकारों को जानना होगा जैसे उपमा है रूपक है मानवीकरण है संबोधन है विरोधाभास है अतिशयोक्ति है ध्वनि सूचक है ये सभी के बारे में वन बाय वन हमें जानना होगा मैं पहले बात कर रहा हूँ उपमा के बारे में उपमा क्या होता है उपमा एक ऐसा अलंकार है जिसे हम अंग्रेजी में एज लाइक या सो के ज़रिए से इंडिकेट कर सकते हैं यानी जब दो वस्तुओं में कोई भी एक चीज़ एक तरह की समानता अगर है तो वह हम इसका इस्तेमाल करते हैं उदाहरण के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ शी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू वो इतनी ताज़ा है जैसे कि सुबह का गिरा हुआ ओस ये ओस क्या होता है अलग चीज़ है और शी लेडी के लिए इस्तेमाल करते हैं मगर दोनों में समानता क्या है फ्रेशनेस इसी तरीके से अगर हम रूपक की बात करें तो रूपक क्या होता है रूपक क्या होता है उसमें भी हम समानता ही करते हैं लेकिन समानता को अलग तरीके से नहीं करते बल्कि उसको हम इस तरीके से करते हैं कि उसको एक ही मान लिया जाता है जैसे कि लाइफ इज़ अ ड्रीम लाइफ क्या है लाइफ एक सपना है जबकि लाइफ कभी सपना नहीं है लेकिन उसको सपने की तरह समझाया जा रहा है अगर हम इसके अंतर को समझने की कोशिश करें द वर्ल्ड इज स्टेज इट्स रूपक यानी मेटाफर है। द वर्ल्ड इज लाइक स्टेज ये क्या सिमिल है यानी उपमा है यही फ़र्क है दोनों में मानवी मानवीकरण मानवीकरण को पर्सनिफिकेशन इंग्लिश में कहा जाता है इसमें क्या होता है इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं या उसके भावों को सजीव मान करके व्यक्ति के रूप में व्यक्त करते हैं उदाहरण के लिए लव इज़ ब्लाइंड यानी प्यार अंधा है प्यार कोई जानदार तो है नहीं लेकिन उसको ऐसा इंडिकेट किया जा रहा है कि जैसे वो अंधा है सो लव इज़ ब्लाइंड और अंधा के लिए क्या है कोई आदमी होना चाहिए उसी क्या कंधी हो सकती है इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखें आई हैज़ नो लेग्स मतलब झूठ के पैर नहीं होते झूठ के पैर नहीं होते बोधन यानी अपोस्ट्रॉफी में क्या किया जाता है ये भी एक अलंकार है इसमें कोई ऐसी चीज़ जो मरी हुई है या जो है ही नहीं जो अनुपस्थित है उसको मानवीकरण की तरह से पदार्थ मानते हुए विचार करते हैं ठीक है ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर मतलब आज़ादी से कहा जा रहा है कि तुम कितनी प्यारी हो ओ डेथ कम सुन यानी मौत को कहा जा रहा है जल्दी आओ जबकि ना मौत सुन पा रही है और ना आज़ादी सुन पा रही है लेकिन दोनों को ऐसा माना जा रहा है जैसे सामने प्रेजेंट है उसको इंडिकेट किया जा रहा है ठीक है ऑक्सीमोडॉन या विरोधाभास में क्या होता है ये भी एक अलंकार है इसमें एक ही वस्तु को दो परस्पर विरोधी गुणों के साथ दिखाया जा सकता है जैसे ही इज रेगुलरली इेगुलर मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आता है लेकिन रेगुलर नहीं आता है रुक रुक करके आता है कभी दो दिन आया फिर नहीं आया तो उसको हम बोल सकते हैं ही इज रेगुलरली इेगुलर इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल होगा इट इज़ एन ओपन सीक्रेट मतलब ये ऐसा राज है जिसे सब कोई जानते हैं अतिश्योक्ति में क्या किया जाता है कि एक ऐसा अलंकार जिसके अंदर किसी वास्तविकता से बहुत ज़्यादा उठा करके या गिरा करके किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके या बहुत ही नीचे गिरा करके घटा करके बताया जाता है जैसे शी वेप्ड ओशियन ऑफ स्टीयर्स वो इतना रोई कि उसने आंसुओं का समुद्र बहा दिया रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड फ्लडेड